तो दाढ़ी बड़ी कर लेने से जिस तरह से राशिद विकास राशिद नहीं बन सकता है, उसी तरीके से कोई भी इस्लामिक स्कॉलर नहीं बन सकता है। और अभी तक जो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है वो इसी तरफ चल रहा है कि या तेरी तरफ या मेरी तरफ, ये दोनों छोटे बड़े भाई हैं। आज यहाँ संसद मार्ग के पास, यहाँ जंतर मंतर पर अब तमाम लोग देख सकते हैं और यहाँ पर तमाम लोग एकजुट हुए हैं, एक पार्टी के और एक लोग अलग अलग धर्म से भी आते हैं जो यहाँ पर तमाम लोग आए हैं। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताएं। ये मेरा नाम सिराज तालिब है, मैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से हूँ, उसका नेशनल सेक्रेटरी हूँ। आज यहाँ पर आने का क्या मकसद है? आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है, यहाँ पर तमाम लोग एकजुट हुए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं संविधान दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि संविधान ही वो किताब है जिसने हमें इस देश के अंदर एक अधिकार दिया है और आज हम आपसे बात कर सकते हैं। संविधान ने ही हमें इलेक्शन लड़ने का अधिकार दिया है, हमें धरना देने का अधिकार दिया है, संविधान ने ही आज हमारे मुंह में ज़बान दी है। और जाहिर है कि अगर संविधान दिवस को हम नहीं मनाएंगे, ये हमारे लिए एक पर्व है, क्योंकि देश के अंदर अगर संविधान नहीं होगा तो लोगों के अधिकार नहीं मिलेंगे, सुख शांति नहीं होगी, इक्वलिटी नहीं होगी। और आज जिस तरह से देश के अंदर एक कोशिश चल रही है संविधान को मिटाने की, उसको कुचलने की, हम आज यहाँ एकत्र होकर उन लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे मंसूबे किसी काम के नहीं हैं, वो फेल हो जाएंगे और संविधान ही रहेगा और संविधान ही से ये देश चलेगा। लेकिन आज जो संविधान दिवस आप मना रहे हैं, संविधान की आप लोग बात कर रहे हैं, संविधान को कौन ध्वस्त कर रहा है? संविधान की बात तो दूसरी पार्टी भी कर रही है। देखिए, सरकार जो है इसका मुखौटा ये सारे लोग समझ रहे हैं, इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके सांसद संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। यहीं जंतर मंतर में संविधान की प्रतियां जलाई गईं, क्यों नहीं सरकार ने उनके ऊपर कार्रवाई की? क्यों वो दंदनाते हुए फिर रहे हैं? तो इससे ये पता चलता है कि सरकार नहीं चाहती है संविधान को, नहीं चाहती है एक गरीब आदमी, एक दलित, एक आदिवासी वो विधानसभा के अंदर पहुंचे, वो लोकसभा के अंदर पहुंचे, वो जनहित की बात करे। तो इसलिए वो संविधान को बदलना चाहते हैं और हम जब तक इस जिस्म में खून की एक बूंद है तब तक संविधान को बदलने नहीं देंगे। लेकिन मुस्लिमों की अब मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत हिंदू मुस्लिम भी हो रहा है देश में। मुस्लिमों को जो है हमेशा संविधान से परस्ती बताया जाता है, देश परस्ती बताया जाता है, इस तरीके के आपके ऊपर जो है आरोप लगते हैं। और अभी जो अभी तमाम केस आ भी रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो मीडिया है वो यही सब दिखा भी रही है, तो वाकई में क्या ऐसा कुछ है? देखिए, कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी, बात ये तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। देश का हिंदू और मुसलमान कभी भी अलग नहीं रहा है। इस दिल में हिंदुओं का दिल मुसलमानों के लिए धड़कता है, मुसलमानों का दिल हिंदुओं के दिल लिए धड़कता है। और न सिर्फ हिंदू मुसलमान बल्कि जितने हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, सब एक दूसरे के साथ हमेशा रहते रहें। चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो देश को किसी के हवाले करना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये देश बेचा जा रहा है, निजीकरण हो रहा है इसका। ये एक माहौल ऐसा बनाना चाहते हैं कि चंद हाथों में इस देश की बागडोर रहे, ये हुकूमत करते रहें और देश को बेचते रहें। और यही एक पूरा माहौल बन रहा है जिसमें आपका मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, वो आग में घी डालने का काम कर रहा है, लोगों के दिमागों के अंदर भ्रम पैदा कर रहा है, उनको सही दिशा में सोचने नहीं दे रहा है। और ये एक साजिश के तहत सारा माहौल आगे बढ़ रहा है। लेकिन तमाम मौलाना मुस्लिम्स जो हैं वो इस ऐसी डिबेट्स में जाकर भाग लेते हैं, वो भी तो ऐसा काम कर रहे हैं और बोलते हैं कि हाँ वाकई में ये सब हो रहा है और ये मुस्लिम लोग इस तरीके के, ये मौलानाओं के लिए और इन मुस्लिमों के लिए। मैडम, अभी आपने कल की एक न्यूज़ देखी होगी कि कोई विकास भाई थे, वो राशिद भाई बनकर उन्होंने एक बयान दे दिया, जब देश 35 टुकड़े होने चाहिए, 35-36 टुकड़े करवा के एक बयान दे दिया।
लेकिन अब वो तो ये चाह रहे थे कि राशिद भाई, विकास भाई राशिद भाई बन के आए, वो विकास जो देश के अंदर आया था मोदी जी लेकर आए थे वो राशिद बन गया, समझ रहे हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं कोई मौलाना टीवी पर जाकर डिबेट में बैठेगा ही नहीं उनके साथ, अगर वो मौलाना होगा तो दाढ़ी बड़ी कर लेने से जिस तरह से राशिद विकास राशिद नहीं बन सकता है, उसी तरीके से कोई भी इस्लामिक स्कॉलर नहीं बन सकता है। इस्लामिक स्कॉलर उनके साथ बैठना पसंद ही नहीं करेगा, उस जगह पर खड़ा होना पसंद नहीं करेगा जहां झूठे लोग झूठ बोल रहे हों, जहां पैसा देकर मुंह खुलवा रहे हों, वो तो सारे के सारे उन्हीं के लोग हैं। हो सकता है कि उनको टोपी वहीं लगाते हों, जाके दाढ़ी वहीं पहना देता हूँ, लगा देते हूँ, क्योंकि कभी भी एक कायदे का आदमी वो जो भाषा वो बुलवाते हैं उनके मुंह में अपनी जबान डाल के वो उनसे बुलवाते हैं, वो नहीं हो सकता है, वो कर नहीं सकता। आपने कहा कि सभी एकजुट हैं, हिंदू मुस्लिम पारसी दलित भाई अल्पसंख्यक सभी एक साथ है, लेकिन मुस्लिमों में भी जो है जाति का बंटवारा होता है, मुस्लिमों में भी अशराफ हो गया और इस तरीके के अलग अलग ये जाति का भेदभाव आप लोगों में भी है, मगर मुस्लिम कहता है कि भाई हम एक साथ हैं और कभी भी जाति का भेदभाव नहीं होता हमारे में। देखिए एक घर में भी अगर आप बात करें तो छोटे बड़े भाई होते हैं, मझले भाई होते हैं, तो उनमें भी जब कभी लड़ाई होती है, कोई बात आती है, कोई विवाद होता है, तो उसमें कहता है मैं बड़ा हूँ तो मेरी बात नहीं मानेगा, तू छोटा है तो चुप रहे। तो ये जिस समाज में हम रहते हैं उसमें एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि जिसमें वक्त आने पर ऐसी चीज़ें कहीं नज़र आ जाती हैं, लेकिन इसको अगर हम ये व्यवस्था मान रहे हों तो ऐसा नहीं है। हाँ ये है शादी ब्याह और मामलात करने में लोग इसका ख्याल रखते हैं कि अपने ही कबीले में, अपने ही ख़ानदान में, अपने ही बराबरी में वो लोग देखते हैं कुछ चीज़ों पे, लेकिन जब कभी कोई मकसद होता है तो मकसद के लिए सारे लोग एक साथ उतरते हैं। और मुसलमान तो जब नमाज़ पढ़ने जाता है तो एक रिक्शे वाला अगर पहले पहुंचा है तो उसको अगली सफ में जगह मिलती है, और एक बहुत बड़ा आदमी हो किसी भी पोस्ट पर क्यों ना हो, वो अगर देर में पहुँचता है तो उसको वहाँ नमाज़ पढ़नी पड़ती है जहाँ जूते उतारे जाते हैं उसके थोड़े आगे। तो ये चीज़ एक व्यवस्था जो है वो तो इसी तरीके से है, क्योंकि मुसलमानों के अंदर इस्लाम का मतलब ही यही था कि अगड़ा पिछड़ा ऊंच नीच यहाँ पर मिटाया जाए। लेकिन अगर माहौल है जिस तरह से चीज़ें बनती हैं, उस तरह से जो बड़ा भाई छोटा भाई वाला मसला रहता है, उस तरह की चीज़ें आती हैं, बल्कि मैं नहीं मानता हूँ कि वर्ण व्यवस्था यहाँ पर इस तरह से नहीं है, जाति का भी भेदभाव है, कई मुस्लिम लोगों की मैंने बाइट ली, एक साथ बैठ के रोटियां सारे लोग खाते हैं। आज भी हमें यह नहीं पता कि हम लोग किस जाति से हैं, कौन किस जाति से आता है, हम यहाँ खड़े हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी एक प्लेट लेकर आए खाना हो तो हम लोग सारे एक साथ खाएंगे, तो ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ कि ये चीज़ें हैं। अच्छा अभी मैं लगातार अभी MCD की भी धूम मची हुई है दिल्ली में, तो अभी जो है पार्टी अपने अपने दावे कर रही हैं, संविधान की बात कर रही हैं, बाबा साहब की तस्वीरें लगा रही हैं, बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं को याद करा जाता है तो एक नेता को ध्वस्त भी कर दिया जाता है, राजेंद्र पाल गौतम जी को, लेकिन वही बाबा साहब की बात करते हैं। तो अभी MCD का चुनाव भी है, मैं एक क्वेश्चन उससे भी पूछ लेती हूँ, क्या लगता है कि किसकी तरफ इस बार जो है MCD होगी? देखिए MCD ये तो कहा जाना कि अभी किसकी तरफ होगी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जितने बड़े नटवर लाल मोदी जी हैं उनसे कम नटवर लाल हमारे केजरीवाल जी नहीं हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और अभी तक जो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है वो इसी तरफ चल रहा है कि या तेरी तरफ या मेरी तरफ, ये दोनों छोटे बड़े भाई हैं। तो मुझे लगता है कि जनता को इस बार बहुत सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए, चूँकि MCD में आपको ऐसे आदमी को, ये इलाकाई चुनाव होता है, ऐसे आदमी को ईमानदार को चुनना चाहिए, भले ही वो निर्दलीय क्यों ना हो, रुपया नहीं देखना चाहिए, दारू पर नहीं वोट करना चाहिए, बिरयानी पर वोट नहीं करना चाहिए, बल्कि इस नाम पर कि कौन शरीफ है, कौन आपकी आवाज़ उठा सकता है, कौन ईमानदारी से काम कर सकता है, कौन राजनीति को कमाने का माध्यम बनाता है, कौन राजनीति को सेवा का माध्यम बनाता है, तो जो सेवा का माध्यम बनाए, हम आह्वान करते हैं आपके माध्यम से, तो उन लोगों को चुनकर जिताएं। अच्छा अभी इन्होंने कहा कि बिरयानी और दारू, क्या वाकई में वोट बटोरने के लिए बिरयानी और दारू का इस्तेमाल किया जाता है? जो समाज में काम नहीं करते हैं
और जिन्हें काम नहीं करना होता है तो वो इस तरह के हथकंडे अपनाते ही हैं हर चुनाव में और चुनाव से पहले, कि वो कुछ लोगों को जो समाज में बहुत ज़्यादा निकम्मे और निठल्ले होते हैं उनको जो है वो दारू भी और खाना भी और पीना भी और सब कुछ चलाते हैं, वो उनका माध्यम होता है। क्या कुछ रहेगा जनता का रुख इस बार? और सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की बहुत बात आती है, तो मुस्लिमों का रुख क्या होगा? मुस्लिमों का तो चंद सीटें हैं, गिनती की हैं, वहाँ मुस्लिमों का रुख तो यही होगा कि जो हमारे क्षेत्र में सही विकास के काम कर सके, विकास कार्य कर सके, हम उस ऐसे नुमाइंदे को अपने क्षेत्र से जिता करके भेजें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम निसार अहमद खान है, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया दिल्ली। सर क्या नाम है आपका? सरफराज अनवर जी। कहाँ से आए? वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया शाहीनबाग। आज यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस पार्टी भी आई है संविधान दिवस मनाने, यानी एक साथ एकजुट हुए हैं आप लोग सारे, बहुजन पार्टी भी? जी हाँ, बहुत सारे पार्टी हैं और इसमें बहुत संविधान को का जो आज धज्जियाँ उड़ाई जा रही है उसको हम सबको जो है एक साथ मंच पे आना चाहिए, क्योंकि ये संविधान बचेगा तभी जो है हिंदुस्तान का भला होगा और यहाँ हिंदुस्तान तरक्की करेगा। तो अब ये मिसाल कायम होगी कि सारा जो है बहुजन मुस्लिम जो जितना भी पिछड़ा वर्ग है और अल्पसंख्यक है एक साथ आएंगे, एकजुट होंगे? जी हाँ, ये मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। अब मुसलमान तो हमेशा साथ में लेकर चलने की कोशिश की, जब बाबा साहब पहली बार एमपी बने तो उनको कलकत्ता से एमपी बनाया गया, तो हमारा तो साफ कहना है कि हम तो समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, समाज हमारे साथ आएगा तो हम उनके साथ हर तरह से जोड़ लगाएंगे कि ये देश को किसी तरह अच्छी अवस्था में लाई जाए। बहुत शुक्रिया। तो अभी ये तमाम मुस्लिम जो है ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस से थे ये लोग, जो जिनसे मैंने आपसे तमाम सवाल पूछे कि किस तरीके के एमसीडी का है, वेलफेयर पार्टी से भी थे, तमाम इनसे सवाल पूछे कि भैया देश में जिस तरीके की राजनीति गरमाई हुई है मुस्लिमों को लेकर, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, और इन्हीं सब पर मैंने आज चर्चा की। अल्पसंख्यक एससी एसटी ओबीसी तमाम तबका यहाँ पर आया हुआ है, तमाम लोग एकजुट होकर आज संविधान दिवस मना रहे हैं और संविधान को बचाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। तो इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर दिल्ली।